नमस्कार, आप देख रहे हैं सांझ टीवी और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नोटबंदी को आज 52 दिन पूरे हो गए हैं और लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 दिनों में मुश्किलें ना के बराबर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए देखिए इस मामले पर हमारी पूरी रिपोर्ट। नोटबंदी को 50 से ज्यादा दिन होने के बाद कतारों में लगे लोगों ने बताया कि 50 दिन पूरे होने पर कतारों में कुछ हद तक कमी आई है और ये आशा बंधी है कि आने वाले समय में ये कतारें खत्म हो जाएंगी। बैंकों में अब काफी पैसा आ गया है जिससे लोगों की मुश्किलें काफी हद तक कम हुई है। वही 2000 के नोट निकलने के कारण परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है। सरकार को चाहिए कि छोटी करेंसी ज्यादा निकाले और ATM के द्वारा छोटी करेंसी ज्यादा लोगों को पहुंचाए। इसके अलावा कैश निकालने की लिमिट भी 2500 से बढ़ा देनी चाहिए। अभी थोड़ी बहुत तो राहत मिली है, थोड़ी कमी तो हुई है। वैसे ठीक है, पैसे ATM तक पहुंच रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा अभी भी है, रश थोड़ा तो है, बट मुझे लगता है ओवरकम कर जाएगा। जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से मुझे लगता है ओवरकम कर जाएगा सर। अभी तो थोड़ी राहत मिली है, ज़्यादा राहत मिली नहीं है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे पैसे का है उन्होंने बढ़ा देंगे, लिमिट बढ़ा देंगे थोड़ा तो हो जाएगा ठीक। लोगों ने भी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में ये बता दिया है कि वो मोदी के इस फैसले में उनके साथ है। BJP की इतनी भारी जीत इस बात का गवाह है कि लोग मोदी के इस फैसले में उनका साथ दे रहे हैं। हमें आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोगों को बैंकों की कतारों से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी और नोटबंदी के फायदे सामने आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, 8 नवम्बर को एक बहुत ऐतिहासिक कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने लिया, जो दुनिया के इतिहास में एक मिसाल बना, और उसकी वजह से देश के अंदर जितने काला धन वाले लोग बैठे थे उनको दिक्कत हुई। कुछ दिक्कतें आम जनता को हुई, क्योंकि जो हमारा जो GDP का लगभग 7 से 8% का हिस्सा उसके अंदर था, जो कैश करेंसी के अंदर, जबकि जितनी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये हिस्सा लगभग 3 से 4% के करीब है। तो सरकार ने जो करेंसी इशू कर रहे हैं, वो जितनी करेंसी सरेंडर हो रही है उससे जो है वो करेंसी जो इशू हो रही है, एक तो उसको तेज़ी से छापना और दूसरा थोड़ा सा उसको इशू कम करके, ताकि हम लेस कैश की तरफ हम आगे बढ़ सकें, ये उसकी तरफ एक स्थानांतरण हो रहा है। भारत के पूर्व रेल मंत्री और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने नोटबंदी को एक गलत फैसला करार देते हुए इसे लोगों के ऊपर बोझ बताया। उन्होंने कहा कि आम पब्लिक को उसका बहुत नुकसान हुआ है और वायदे के अनुसार 50 दिन बीत जाने पर भी लोग अपने पैसे को निकलवाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा देश इस फैसले के कारण काफी पीछे रह गया है। नोटबंदी का ऐलान किए 50 दिन हो गए हैं, लेकिन उससे उत्पन्न आम आदमी के लिए जो मुश्किलें हैं उसका कोई समाधान किसी ढंग का अभी तक नज़र नहीं आया। विश्वास प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये था कि 50 दिन का ही सब लोगों को दिक्कत होगी, उसके बाद बिल्कुल सभी की ज़िंदगी वैसे ही सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं है। लोगों के पास रोजाना के खर्चे के लिए भी बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि जो जितना उन्होंने ऐलान किया था कि मिलेगा प्रति एक सप्ताह, उतना भी लोगों को मिल नहीं रहा। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब से ही फेरबदल का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए देखते हैं नाभा में चुनावी सरगर्मियों का क्या माहौल है। रियासती शहर नाभा के पूर्व विधायक रमेश कुमार सिंगला ने अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस का पल्ला पकड़ लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विरोधी नेताओं ने शब्दी वार करना भी शुरू कर दिया है। रमेश कुमार सिंगला के PA परमजीत सिंह राजगढ़ को नाभा से ही पंजाब फ्रंट का उम्मीदवार चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि रमेश कुमार सिंगला के कांग्रेस में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे हलके के लोग मेरे साथ हैं। रिजर्व हलका नाभा से अकाली दल पार्टी को अलविदा कहकर दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई में कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है, जिसके अंतर्गत नाभे की राजनीति भी गर्मा गई है। रमेश सिंगला 2 बार कांग्रेस को अलविदा कहकर 2 ही बार कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक रमेश कुमार सिंगला का PA परमजीत सिंह, जो 16 साल से उनके साथ चलते आ रहे थे, वो भी अब पंजाब फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आजकल लोग इंसान को देखते हैं, न कि उनकी पार्टी को। उन्होंने कहा कि रमेश कुमार सिंगला का कांग्रेस में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अकाली दल के उम्मीदवार कबीर दास ने कहा कि रमेश कुमार सिंगला का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि उसका पीए परमजीत सिंह चुनाव लड़ रहा है। वहीं मोहाली के सिविल अस्पताल में लड़के की जगह माँ बाप को सौंपी लड़की, माँ बाप ने डॉक्टरों पर लगाया बच्चे बदलने का आरोप। माँ बाप की शिकायत पर अस्पताल के दो कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। मोहाली के सिविल अस्पताल में कल 12 बजे गांव दुमछेड़ी की एक महिला परमजीत सिंह, जिसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, दाखिल करवाया गया। डिलीवरी के 25 मिनट बाद डिलीवरी रूम के बाहर बैठे परमजीत सिंह, उसकी माँ और उसकी सास को डिलीवरी वाले रूम से आकर एक लड़के ने बताया कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। परमजीत सिंह और उसकी माँ के 2-3 बार पूछे जाने पर भी उस लड़के ने बताया कि बधाई हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और लड़का और लड़के की माँ दोनों ही स्वस्थ हैं। उन्होंने लड़के वाले कपड़े भी परमजीत से लेकर डलवा दिए और शाम को 4 बजे तक उन्हें नवजात बच्चा सौंप दिया गया और कहा कि इसे ठंड लग रही है, इसलिए इसे लपेट कर ही रखना। लेकिन बाद में जब घर वालों को पता चला कि उन्हें लड़के की जगह लड़की दे दी गई है, तो उन्होंने इसे लेकर खूब हंगामा किया और इसकी शिकायत डॉक्टरों से भी की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब इस बारे में डिलीवरी करने वाली डॉक्टर नीना से बात की गई, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सिविल हॉस्पिटल में एक ही ऑपरेशन हुआ था, जिस दौरान लड़की ही पैदा हुई थी, जबकि महिला जिसको बच्चा हुआ है, उसने बताया कि मुझे अंदर कुछ नहीं बताया गया और ना ही मुझे मेरा बच्चा दिखाया गया। उसका मानना है कि हो सकता है किसी ने लालच में आकर मेरे लड़के को बदल दिया हो, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये घिनौनी हरकत की है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जबकि हॉस्पिटल के सीएमओ गोल्डी ने बताया कि अगर मुझे लिखित में शिकायत दी जाएगी तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी और लड़की और माँ दोनों का डीएनए टेस्ट करवाकर इनको बच्चा सौंपा जाएगा। अब देखना यह है कि परमजीत सिंह की पत्नी को लड़का हुआ है या लड़की, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। बेटी हुई थी क्लास 4, और अगर बाहर जाके कुछ गलत बोल रहे तो उसमें कोई वो नहीं है, बेटी ही हुई थी। एक ही केस हुआ था सिक्योरिटी में, और बेटी ऐसा भी 5:30 बजे तकरीबन मदर आए मेरे, जब उन्होंने देखा, मेरी वाइफ ने कहा भी इनके बच्चे के कपड़े बदली कर लो, भी गिला करता होना, उस तो बाद जी जब देखा वो गुड़िया सी जी कपड़े पा के ले गए होने, घर वाले ने कहंदे थे जाके भी बेटा होया, फिर बाहर फड़ाया भी नहीं है उन्होंने। हाँ जी, फिर बार बाद जाके फड़ाया होना, फिर पहला दत्ता ने बच्चा बाद च देता। वो कहना भी हाले नहीं फड़ाना, इतने साइन करवा के इन्हें पूछ लिया भी क्या है, कहना बेटा जी। अच्छा, 4 बारी पूछा जी उन्हें बेटा है, कहना हाँ जी 4 बारी कहा उन्हें भी बेटा ही बेटा। हाँ जी बस जी, फिर मैं क्या भी मैंने फड़ा दे, कहना हाले नहीं फड़ाना, उन्हें अंदर ले गया बस मोड़, फिर आके फड़ा के गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए सांझ टीवी के साथ।